हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सामान्य ज्ञान के बारे में, जो कि बेसिक परीक्षाओं में जैसे एसएससी, रेलवे और सी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सकती है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्था किस राज्य में स्थापित किया गया है? राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित है? इसका आंसर है बी, इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में एक स्वायत्तशासी अंतर सरकारी संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, सैनिक संगठन है। इसका आंसर होगा बी, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक स्वायत्तशासी अंतर सरकारी संगठन है। इसका आंसर होगा बी। उसी तरह अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? इसका आंसर होगा तीन, कल्पकम सी होगा। और चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य नहीं है? ए ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए सूची, इधर संगठन है इधर मुख्यालय, आपको बताना है कौन सही है इसमें से। यूनेस्को, जिनेवा, IFF, परिसर, ILO, वियना, यूनिडो, वाशिंगटन DC। कुट ये दिया है, ये जो है किससे बिलोंग करता है? इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। आइए अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह है? भारती, इसका आंसर है भारती। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से भारत रत्न के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, सब सत्य कथन है, कोई गलत नहीं है। आठवां क्वेश्चन, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ए टेम्पलटन पुरस्कार। ए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। डी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवां, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? इसका आपका आंसर होगा बी, साहित्य और पत्रकारिता बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कारों में नहीं है? विश्वामित्र पुरस्कार। इसके 12वां क्वेश्चन के लिए आ जाते हैं हम लोग, मैग्नेसिस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? मैग्नेसिस पुरस्कार विजेता भारतीय पहले कौन थे?
इसका होगा विनोबा भावे, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है? विनोद मेहता, इसका आंसर होगा विनोद मेहता। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो कि मिलान करना है 14वां वाला क्वेश्चन में, तो इसको आप लोग देखिएगा। महात्मा गांधी जो है वो हिंद स्वराज पे हैं और राम मनोहर लोहिया जो हैं वो बी का चार, ये द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये जो इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें पर आते हैं। इनमें से कौन से पुस्तक सचिन बॉय टू बैट द जर्नी ऑफ क्रिकेट्स अल्टीमेट सेंचुरियन का लेखक है? इसका है आपका ए खालिद ए एच अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है? ये तो आम बात है, आप लोग जानते ही होंगे, डॉक्टर विधान चंद्र राय। इसका आंसर है बी। 18वां क्वेश्चन देखते, मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया है? वो है 25 जनवरी। 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? इसका आंसर है 21 मार्च 1994 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में वर्ष 2012 में निम्नलिखित में से किस एक को जोड़ा गया है? इसका आपका आंसर है ए पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युग्मक सुमिलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर है डी, उपयोग में से कोई नहीं, सब सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? इसका आंसर होगा आपका डी, लग्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, निम्नलिखित में से किस देश ने भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? बी मॉरिशस। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? सी 24 का आपका है सी, ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? 25वां क्वेश्चन हमारा है, एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर है बी हरप्रीत अहलुवालिया। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ये इसका आंसर है बी सुंदरलाल बहुगुणा का संगीतकार, वो संगीतकार नहीं थे, वो कुछ और थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, नेहाटी जहां एक रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय प्रस्तावित है, निम्नलिखित में से किसका जन्म स्थान है? इसका आंसर आपका है बी बकीम चंद्र चट्टोपाध्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्न में से कौन सी केंद्रीय सरकारी एजेंसी मानचित्रण और खनिजों के अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर होगा आपका ए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण।
29 देखिए, भारत में लोकपाल का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया था? इसका होगा वीरप्पा मोइली आयोग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा बी हिमाचल प्रदेश, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए वही, इसका आपका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, प्रथम दिवसीय विश्व क्रिकेट का टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कहाँ खेला गया? इसका आंसर होगा आपका बी इंग्लैंड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? उबेर कप किसके लिए जाता है? तो महिला बैडमिंटन के लिए उबेर कप दिया जाता है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को निम्नलिखित में से कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना आवश्यक है? इसका आपका होगा ए ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, गैस ओपन, यूएस द ओपन, ए आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35वां, ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए बैल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? इसका आपका होगा बी मुक्केबाजी। हाँ दोस्तों, आज का लेसन यहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट लेसन में और बात करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी इसी तरह वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। अगर आप चैनल को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो हमको हौसला मिलेगा और अच्छा वीडियो बनाने का। और जो भी आपको चाहिए वो कमेंट में लिख के हमें अवश्य बताएं। बाकी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।